भाजपा शासित नागपुर मनपा ने वन टाइम सेटलमेंट के नाम पर OCW के 92 करोड़ रुपए माफ कर दिए, लेकिन आम जनता को बढ़ चढ़कर भेजे जाने वाले नल के बिल को OCW कब माफ करेगी, ऐसा सवाल करते हुए आज रवि पराते इनके द्वारा बिल को जलाकर निषेध किया गया। आज नागपुर शहर के बुधवार स्थित OCW कार्यालय में राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि पराते इनके नेतृत्व में आम जनता को बढ़ाकर आए OCW के देय कर बिल जलाकर आंदोलन किया गया। तांडा पीठ, नाइक तालाब, मासुरकर चौक, बारसीन नगर, पांच पावली, लेंडी तालाब के कई इलाकों में OCW कर्मचारियों ने मीटर पर धूल होने पर बिना धूल साफ किए एवरेज रीडिंग के नाम पर रीडिंग बढ़ाकर एवरेज देय कर बिल भेज दिए। अगर कोई आम आदमी OCW कार्यालय से पूछता है तो वे बिना बिल घटाए पूरे बिल का भुगतान करने के लिए दबाव डालते हैं और बिल में कोई कटौती नहीं होती। इस क्षेत्र में मध्यम वर्ग के निवासी बड़े संख्या में रहते हैं और वे OCW का भुगतान कैसे करेंगे, ये सवाल उनके सामने खड़ा हुआ है। इतनी बड़ी रकम में आने वाला नल बिल कोई नहीं भर सकता। रवि पराते ने पत्रकारों को बताया कि ऑरेंज सिटी वाटर कंपनी को मनपा से किए हुए करार के अनुसार 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक पानी के मीटर बदलकर नए मीटर लगाकर 24 घंटे जलापूर्ति योजना लागू करनी थी, लेकिन दिए गए समय पर काम पूर्ण नहीं करने पर मनपा ने जुर्माने की राशि 54 करोड़ और 38 करोड़ रुपए का ब्याज, ऐसे कुल 92 करोड़ रुपए नंदा जिचकार महापौर और दीप राज पार्डीकर उप महापौर रहते हुए 15 फरवरी 2019 को OCW को वन टाइम सेटलमेंट के नाम पर माफ कर दिए गए। नागपुर शहर के युवा नेता रवि पराते ने आंदोलन के दौरान आरोप लगाया है कि ये वन टाइम सेटलमेंट के नाम पर माफ कर दिए गए राशि ईमानदारी से मनपा में टैक्स भरने वालों की है, इसलिए नागपुर मनपा को आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाले भाजपा के सत्ताधारी नेताओं को जनता कभी माफ नहीं करेगी। नहीं चलेंगी, तानाशाही नहीं चलेगी। OCW होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। OCW होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके बातें करो, बातें करो, बातें करो। बड़ा हुआ बिल्कुल असं दिसून आलं की OCW ला जे काम दिलेलं होतं ते योग्य पद्धतीने झालेलं नाही। नागपूर महानगरपालिकेने OCW 24/7 च्या योजनेअंतर्गत हा काम दिलेला होता, परंतु जेव्हापासून OCW आपल्या नागपूर शहरामध्ये आलेली आहे, नागपूर शहरातल्या नागरिकांसोबत उत्मात करण्याचं काम आणि पाप या OCW केलेलं आहे। मागे आपलं पाहिलं असेल की नागपूर शहरामध्ये भाजप शासित भारतीय जनता पक्षाची जी नागपूर महानगरपालिका आहे तिथे 2012 साली OCW काम पूर्ण न केल्यामुळे जे काही त्यांच्यावरती करार केल्यानुसार जो काही त्यांच्यावरती एक बिल बसत होता त्याच्यामध्ये 92 कोटी रुपये OCW नागपूर महानगरपालिकेने माफ केले, परंतु ज्या प्रकारे OCW सर्वसामान्य नागरिकांना जो बिल पाठवतो आहे त्या बिलमध्ये आपण पाहतो आहे की बिलमध्ये एका प्रकाराने जसं त्याची रीडिंग जी आहे ते 50 जल्ली असेल, तर अनेक बिल आमच्याकडे असे आहे ज्याच्यामध्ये ते बिल ते रीडिंग जी आहे ते 70 आणि 80 जुळून आलेली आहे। दर महिन्याला OCW बिल पाठवले पाहिजे, परंतु OCW हे 3 महिन्यात बिल पाठव। NBCN न्यूज के लिए राजकुमार मोहोळ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।